नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। रामायण एक संस्कृत का महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। दोस्तों, ये भारतीय संहिता के दो विशाल महाकाव्यों में से एक है, जिसमें दूसरा महाकाव्य महाभारत है। हिंदू धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम सबको रिश्तों के कर्तव्यों का समझाया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र और आदर्श सेवक और आदर्श राजा को दिखाया गया है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के राम अवतार को दर्शाया गया है। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 विभागों में विभाजित हैं। तो आज हम इस महाकाव्य और इस महाग्रंथ से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, रामायण राम के जन्म से पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। नंबर 2, राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। वह अपने चारों भाइयों में से बड़ी थी। उसकी माता कौशल्या थी, जिसको बचपन में कौशल्या ने अपनी बहन वर्षिणी और अंग देश के राजा गोपद को गोद दे दिया था। नंबर 3, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा भगवान राम के भाई किसके अवतार थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के द्वारा हाथों में धारण किए गए शंख और सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है। नंबर 4, ऐसा माना जाता है जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास में थे, तब लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी की सुरक्षा के लिए सोते नहीं थे, इसी कारण उन्हें गुदा केश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, भगवान विष्णु ने कौशल्या को पूर्व जन्म में वरदान दिया था कि वे त्रेता युग में उनके गर्भ से राम के रूप में जन्म लेंगे। नंबर 6, कहा जाता है माता सीता ने बचपन में खेल खेल में शिव धनुष को उठा लिया था, इसीलिए उनके पिता ने ये शर्त रखी थी कि जो भी शिव के धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा सीता माता उसी से विवाह करेगी। नंबर 7, जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे उस समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाएं, इसीलिए राजा दशरथ ने उनसे कहा कि वह उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठ जाएं, किंतु भगवान राम ने ऐसा करने से मना कर दिया। नंबर 8, जब भगवान राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे थे तब उन्होंने उसे पार लंका जाने के लिए पुल का निर्माण शुरू किया। रामायण के अनुसार पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा था। नंबर 9, सभी जानते हैं शूर्पणखा को नाक काटे जाने पर रावण ने क्रोधित होकर माता सीता का अपहरण किया था, लेकिन शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया था इसीलिए उसने रावण को श्राप दिया था। नंबर 10, एक बार जब रावण कैलाश पर जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में नंदी मिले। रावण ने उनका वानर का मुख वाला कहकर अपमान किया, तब नंदी ने उनको श्राप दिया था कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। नंबर 11, जब रावण माता सीता का हरण कर के लंका ले गया था उसी दिन भगवान ब्रह्मा ने एक विशेष खीर भगवान इंद्र के द्वारा माता सीता तक पहुंचाई थी, जिसे खाकर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई थी, जिसके कारण वह लंका में बिना खाए पिए रह सकी थी। नंबर 12, राम के भाई भरत को अपने पिता की मृत्यु का एहसास पहले ही हो गया था। नंबर 13, जब अपने विश्व अभियान पर रावण यमपुरी पहुंचा तो उसका युद्ध वहां यमराज से हुआ। तब यमराज ने उस पर काल दंड का प्रयोग करना चाहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी भी देवता के द्वारा संभव ही नहीं था। नंबर 14, जब भगवान राम रावण के साथ युद्ध लड़ने गए थे तब वह इंद्र के रथ पर युद्ध करने गए थे। देवराज इंद्र ने अपने रथ स्वयं भगवान राम को दिया था।
आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। धन्यवाद।